हाय, कैसे हैं आप लोग? 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि ना मैं घर से बाहर कहीं नहीं जा नहीं रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था किस मैटर पे वीडियो डालूं, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाली। तो आज मैं सोची क्यों ना हम आपको दिखा दें कि गर्मी में मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, मतलब क्या क्या का मतलब प्रोडक्ट्स मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ वो दिखा दूँ। उसके लिए देखिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मैं ना मतलब बहुत ही कम चीज़ों में मैं अपने, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा सजना संवरना आते नहीं है और पसंद भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, इसीलिए मुझे ये सब करना भी नहीं होता है उतना ज़्यादा, पर फिर भी बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। देखिए इसके लिए मैं सुबह जब नींद से उठती हूँ उससे टाइम मैं ये वाली फेस वॉश से मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ। ये देखिए ये RCM की नाइसा ये ऑर्गेनिक ट्री का है, जो इससे मैं फेस वॉश करती हूँ क्योंकि ये मुझे 2 साल से लगभग, एक 1.5 साल तो होगा ही, 1.5-2 साल लगभग होगा मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है और बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब ये अच्छा महसूस हुआ है। तो इसके बाद अगर मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ तो कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर मैं बाहर जाती हूँ मतलब धूप में बाहर जाती हूँ तो मैं एक सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ, जो कि अब तक मैं हिमालय की करती थी, बट अभी मैं देखिए केयर सेट का एक लाई हूँ क्योंकि सुनाई दिया कि ये अच्छा है, तो ये लाई हूँ ये सनस्क्रीन केयर सेट का। अगर इसके साथ मैं बाहर निकलूँ तो केयर सेट का जो सन अम्ब्रेला पाउडर जो है ना वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो तो मतलब सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा आपको होता है ना मतलब पसीना होता है बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए आप ये पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं ये लगा के निकलती हूँ बाहर, 15 मिनट पहले लगाना पड़ता है। देखिए मैं कोई ब्यूटिशियन नहीं हूँ इसलिए मुझे उतना नहीं आता है, फिर नई जानकारी है मुझे, बट फिर भी मुझे 15 मिनट पहले लगाना पड़ता है बाहर निकलने के पहले, इतना मैं जानती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं वापस आती हूँ तो दोपहर में और एक बार मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ दोपहर में उसी टाइम ये देखिए हिमालय की टोनर, इसके मैं और एक ब्रांड क्या यूज़ करती थी अभी आयुर का जो टोनर था मैं मतलब वो यूज़ करती थी, बट यही 1-2 हफ्ता हुआ है मैं ये हिमालय की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि उससे शायद अच्छा है। तो जब मैं दोपहर में वीडियो बनाती हूँ उस टाइम मैं इसी का कॉटन के साथ इस थोड़े मुंह को साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद ये देखिए ख़त्म होने वाला है, ये भी मतलब टूट गया है। ये था आपका लैक्मी का देखिए फेस पाउडर लगाती हूँ, लैक्मी के फेस पाउडर लगा के मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी कोई मेकअप नहीं लगाती हूँ। सिर्फ वीडियो बनाने से पहले आपको मुंह को आपका फेस को टोनर से क्लीन करके फिर उसके बाद मैं लैक्मी का फेस पाउडर लगाती हूँ। लगाने के बाद अभी जो आप देख रहे हो मुझे वो भी आप वही देख रहे हो, तो लैक्मी का फेस पाउडर के साथ ही आप मुझे देख रहे हो अभी भी। फिर उसके बाद अभी जब मैं मुंह धोऊंगी ना, मतलब मानो अभी तो नहीं धोऊंगी, वही रात को सोते समय मुंह धोऊंगी, तब जाके आपका लगाऊंगी नाइट क्रीम ये वाला लोटस का नाइट क्रीम। मुझे मालूम नहीं था नाइट क्रीम लगाने से क्या क्या होता है, मतलब ये जो स्मूथनेस फेयरनेस एक है ब्राइट एंड शाइन क्या वाइटिंग जो भी बोल रहा है पे, तो मैं 1 हफ्ते से लगा रही हूँ, तो मैं देखूँगी कि सच में होता है कि नहीं होता है, बट अभी 1 हफ्ते से लगा रही हूँ, उससे पहले मैं रात को कुछ नहीं लगाती थी। और अगर शाम को कहीं मैं बाहर निकलूँ, शाम के टाइम बोल रही हूँ, कहीं मैं बाहर निकलूँ तो मैं और एक चीज़ जो लगाती हूँ वो है ये वाला, ये भी देखिए RCM का ही है, RCM का फेयर एंड शाइन है। ये वाला क्रीम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक क्रीम और ये फेस वॉश दोनों मिला के मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए ये दोनों मैं नहीं छोड़ती हूँ, बाकी कुछ भी पकड़ूँ ये दोनों मैं नहीं छोड़ती हूँ, ये दोनों तो मैं रख ही लेती हूँ साथ में। और एक चीज़ मेरे पास है बट मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ये देखिए वेटोनिका बेबी फाउंडेशन, बट मैं अगर कभी शादी में गई तो इस्तेमाल करती हूँ,
वरना कभी इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं पसंद है और मैंने आते नहीं है ना ये सब के। देखिए आप देख सकते हो, आप इसको देख सकते हो, नहीं आता उतना ज़्यादा मुझे, तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। शादी में गई तो मतलब ये मेरे पास 5 साल से लगभग है बट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लगभग 5 साल से बट ख़त्म नहीं हो रहा है। और एक चीज़ देखिए मेरे पास ये पड़ा है लगभग 2-3 साल से, ये आयुर्वेद का क्लींजिंग है। सब कहता है रात को का टूनिंग करके अगर इससे मुंह को मॉइस्चराइजिंग करो तो अच्छा रिजल्ट आता है सब कहते हैं, बट ना मैं बहुत आलसी हूँ, मैं पहले ही बोली हूँ इसलिए मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगते, बट पिए थे कुछ दिन तब अच्छा रिजल्ट आया था, तो अभी पड़ा है मेरे पास। और एक चीज़ मैं इस्तेमाल जो कर रही हूँ, देखिए मेरा हाथ में जो टैनिंग पड़ रहा था इसीलिए ना उसके लिए मैं ये इलेक्ट्रोटैन क्लियर लाई हूँ, एक ही दिन इस्तेमाल की अब तक, एक ही दिन। तो मैं सोच रही हूँ इसको हफ्ते में 2-3 दिन इस्तेमाल करूँगी तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो फ्रेंड्स यही था मेरे सजने संवरने की चीज़ें, इससे ज़्यादा मेकअप किट्स मेरे पास नहीं है और इससे ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।